आजकल हमारे जो भारतीय क्रिकेट टीम हो उनमें कुछ अच्छा नहीं चलत हो। हर सीरीज में हर मैच में नए नए खिलाड़ियों के मौका मिलत हो, वो खिलाड़ी कुछ मैच में चलत है कुछ मैच में ना चलत है, ऐसा बोला। अब सब लोग नया है, अगर अनुभव नहीं होता है। अगर वर्तमान की टीम में से अगर विराट कोहली रोहित शर्मा के अगर हम थोड़ा सा निकाल दें टीम से, तो टीम में केवल ऐसा ना हो जो उनकी टीम की अच्छी तरह से संभाल सके। और यह सबसे बड़ा रीजन हो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम का, जवन की पिछले लगभग 10 साल से कौनों भी आईसीसी का टूर्नामेंट ना जीत हुई है। यह सबसे बड़ा रीजन है। और ये हर मैच में नया यंगस्टर इनके पास प्लेयर आवत है और वो कुछ मैच में परफॉर्म करे ना, लेकिन मेन मैच में ना कह पोतन या टाई टाई फेस हो जाए। जो अगर क्रिकेट खेले के हो, अगर क्रिकेट के ऊपर डोमिनेशन ऑस्ट्रेलियन जैसे टीम बनावे के हो, तो हमें थोड़ा सा खिलाड़ी की उम्र और अनुभव का ध्यान रखे के चाहिए। अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो उनके टीम में कौनों भी प्लेयर जो उनकर टीम 11 में खेले या 14-15 सदस्य जवन टीम घोषित की जाए, वही टीम में शायद ही कोनो प्लेयर की उम्र 25 साल से कम हो। ज्यादातर वहां पर खिलाड़ी 25 से लेके 32-33 साल तक उनके टीम में रहे हैं। और 25 से लेके 32-33 साल तक के जो खिलाड़ी रहे ना, वो अपने पीक पर होना, सबसे ऊंचाई पर होना, अनुभव, शारीरिक शक्ति, खेले का स्किल, मेच्योरिटी लेवल सब बढ़िया रहा। यही वजह से वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें। अपने यहां पर तैयार हो नहीं, कुछ खिलाड़ी आईपीएल में परफॉर्म कर देना, कुछ कहीं और कर देना, कहीं और उनके टीम में तुरंत ले लो जाला। और ऐसे एक न तो बैटिंग का न तो बॉलिंग का कोनो क्रम ना बनत, खिलाड़ियों के अंदर कॉन्फिडेंस ना आ पावत, हम इस सीरीज खेले थैला अगले सीरीज में खेलब या ना खेलब, यही वजह है। एक और सबसे बड़ी वजह है, वर्तमान के जो क्रिकेट टीम हो इनके पास ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर की कमी हो। मतलब जब धोनी का टीम रहली या जब सौरव गांगुली टीम का कप्तान रहना, वही टीम में जो इंडियन टीम के बैट्समैन रहना है, बल्लेबाज रहना है, वो हर मैच में 4 ओवर, 6 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर बॉलिंग कर लेते रहना है। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग रहल हो, चाहे वो युवराज सिंह रहल हो, ये सब खिलाड़ी मिलके 5वें गेंदबाज की कमी पूरी कर दे। लेकिन एक टीम में ऐसा कुछ ना हो। यहाँ पर अगर तो के खिलावे के हो एक्स्ट्रा बॉलर, तो या तो रविंद्र जडेजा के खिलावे की पड़ी या फिर और भी कोनो खिलाड़ी की तुम्हें देखे की पड़ी, हार्दिक पांड्या के किले की तुम्हें देखे की पड़ी। अब ये खिलाड़ी का ना तो उतनी अच्छी बैटिंग हो और बॉलिंग भी सामान्य होने, तो विकेट ही सब निकाल सकत रहना। अब रविंद्र जडेजा भारत में तो विकेट निकाल लेना, लेकिन फॉरेन में उन्हें दिक्कत हो ले। हार्दिक पांड्या अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन उनके पास स्पीड ना हो, 120-125 की स्पीड में बॉलिंग करी है तो लोग उन्हें दौड़ाए दौड़ाए की मरी है, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो। भारतीय टीम में यह समय मेच्योरिटी लेवल की कमी हो, कहे से ज्यादातर बहुत ज्यादा यंग प्लेयर के टीम में भर देवल हो और कौनों भी खिलाड़ी का कौन स्थान फिक्स ना हो, ये मैच में है तो अगले मैच में रहिए कि ना रहिए। और साथ ही साथ यहां पर इतना ज्यादा नेपोटिज्म, भाईवाद, भतीजावाद सोर्स काम कर रहा था कि टीम में ले ली है फिर खिला दिए, मैच खेलने के बाद अच्छा कहने ठीक है आगे खेलिए, नहीं तो फिर से बाहर। तो अगर क्रिकेट या कोनो भी गेम हो, हम क्रिकेट का खाली बात ना करते थे, कोनो भी गेम हो अगर ओकरे अंदर हम 25 से लेके 32-33 साल तक के खिलाड़ी के लिए थैला, जौन की अनुभव के मामले में, मेच्योरिटी के मामले में, अपने खेल के पीक के माध्यम से, अपनी शारीरिक शक्ति के माध्यम से जब एकदम चरम पर रहना है, तब वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम का यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जौन है कभी भी ऐसा यंगस्टर प्लेयर नहीं है, एकाक प्लेयर उनका रहने 14-15 सदस्यीय टीम में जो 25 साल से नीचे नहीं, तो सब खिलाड़ी 25 साल से ऊपर ही रहे। और ऐसा ही टीम बनैले से जौन ऑस्ट्रेलिया टीम आज की डेट में सफल हो, ज्यादा यंग प्लेयर इस तरीके से ही है, तो वो भारत के जो क्रिकेट के छवि है उसके धूमिल